हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। तो आज हम ये सीखेंगे इजी वन साइड निटिंग पैटर्न। फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है ये वन साइड से ही डलता है, यानी कि आपको सीधी तरफ ही डालना है, उल्टी साइड पूरी उल्टी ही हम इसमें नट करेंगे। ये एक स्वेटर है जो मैंने बनाया है, इसमें मल्टीपल ऑफ 10 स्टिचेस चाहिए, 4 एज स्टिचेस चाहिए, टोटल जो है ये 10 रोज का है। आइए स्टार्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 24 स्टिचेस हैं, 2 + 10 + 10 + 2, 2 2 जो है हमारे एज स्टिचेस हैं और 10 10 का ये पैटर्न है। तो सबसे पहले हम रो 1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टिच को एज इट इज ले लेंगे, धागा अपनी तरफ, और ये पहला उल्टा लेंगे कर। अब इसके बाद हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, एक सीधा लेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर एक उल्टा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और धागा फिर दूसरी तरफ, और एक ये सीधा। ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ये 10 स्टिचेस का। अब फिर से एक सीधा लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और धागा दूसरी तरफ, और ये एक सीधा, ये 10 का पैटर्न हमारा पूरा होता है। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और एक सीधा, ये हमारा पैटर्न है। फ्रेंड्स, अब उल्टी सिलाई हमने उल्टी ही लेनी है, यानी कि रॉन्ग साइड जो है रो 2 हमारी पूरी रॉन्ग रहेगी। इसको ऐसे ही हम पूरा कॉल करेंगे। ये डिज़ाइन आप किसी भी कार्डिगन में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, स्वेटर, कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, किड्स, बॉयज़ की, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये स्पेशली जेंट्स के स्वेटर पे ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और किड्स कार्डिगन्स में भी। अब आती है हमारी रो 3। रो 3 में फ्रेंड्स हमें देखिए क्या करना है। पहले स्टिच को तो हम एज इट इज ही ले लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ और एक रॉन्ग स्टिच, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये सीधे वाला है इसको हमने आगे लेना है, और जो उल्टा है उसको पीछे से हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, इसको हम इस तरफ लाएंगे इस तरह से, ये पीछे से इसको इसमें सिलाई में उठाएंगे, आगे से उतारेंगे सीधे वाले को, दूसरे सिलाई में शिफ्ट करके इसको आगे से लेके इस तरह से सीधा ही नट करना है। अब हम इसे उल्टा नहीं, सीधा नट करेंगे, और ये जो सीधा है इसे तो हम सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से जो लाइन है ये थोड़ी सी आपको टेढ़ा, अब हमें इसे करना है, ट्रायंगल शेप देना है। बीच के सारे उल्टे रहेंगे, अब बीच में 6 उल्टे आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बीच में सिर्फ 6 घर उल्टे रहेंगे। पहले 8 थे, अब 6 हो गए। धागा दूसरी तरफ, इस सीधे को भी हम इस तरह से ही इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन आगे से, उसे हमने पीछे से किया है इसे हमें आगे से करना होगा। फ्रेंड्स, ये इस तरह से, और इसको आप इस तरह से लेंगे पीछे की तरफ से, इसको हम सिलाई में लेंगे और ऐसे सीधा निट कर देंगे। ये भी सीधा, ये अब हमारा एक पैटर्न यहाँ कम्प्लीट होता है। अब फिर से रिपीट करेंगे सेम चीज़, इसको पीछे से लेंगे, इस तरह शिफ्ट करेंगे और इसको सीधा निट करेंगे। इसे भी 2 घर सीधे निट किए हमने, फिर उसके बाद 6 घर उल्टे, यानी कि 6 फंदे उल्टे, और ये 6। अब हम करेंगे इसको शिफ्ट, लेकिन आगे की तरफ से, और उसको पीछे की तरफ से इस तरह से, और इसको हम नीचे की तरफ से लीजिएगा ताकि लाइन बहुत ही साफ आए, इस तरह से सीधा। वन मोर, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और एक सीधा, ये हमारे एज स्टिचेस हैं, ये ऐसे ही हम निट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा पैटर्न थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, दिखाई देना। अब आती है हमारी रो नंबर 4, यानी कि रॉन्ग साइड, जो कि पूरी हमें रॉन्ग ही निट करनी है। पूरी की पूरी सिलाई हम उल्टी ही बनाएंगे, सिंपल जैसे हम बनाते हैं।
ये बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स, इसे हम मतलब बिगिनर्स भी इसे डाल सकते हैं इजीली। ये देखिए अब आती है हमारी रो नंबर 5 और सीधा पहला घर हम एज इट इज ले लेंगे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा धागा दूसरी तरफ। अब फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हम सीधा लेंगे जो इस तरफ शिफ्ट हो गया है ना, वो सीधे होते जाएंगे, वन सीधा। अब ये वाले को हम फिर उसी तरह ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पे भी हमें ट्विस्ट करना है। आगे वाले को हम पीछे से सिलाई में उठाएंगे, सिलाई निकालेंगे और इसको दूसरी सिलाई में शिफ्ट करके आगे वाले को आगे से लेके इस तरह से सीधा नेट करेंगे। पहले दो सीधे थे, यहाँ अब तीन सीधे हो गए हैं। इस तरह से धागा अपनी तरफ, एक दो तीन और ये चार, अब उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे भी हम सेम इसको आगे से शिफ्ट करेंगे, ये इस तरह से। इसी तरह से आपने इसको लेना है फ्रेंड्स, तभी ये क्लियर लाइन विजिबल होगी। तीन सीधे आ जाएंगे। अब सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे फिर से, एक सीधा, यहाँ पे भी हमें इसको पीछे से शिफ्ट करेंगे या आगे से, सॉरी, इस तरह से। बीच में चार उल्टे आएंगे, एंड के फिर तीन सीधे आएंगे, लेकिन पहले हम इसे ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। और अब तीन सीधे, एक उल्टा और एक सीधा एज स्टिच हमारा। धीरे धीरे इसी तरह से ये एक ट्रायंगल का शेप ले लेगा। अब आती है हमारी रो नंबर 6, रॉन्ग साइड है, पूरी रॉन्ग ही निट करेंगे, सारे के सारे फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं। अगर आपको सीखने में कोई भी दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं। अब आती है हमारी रो नंबर 7 और ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पहला फंदा सीध एज इट इज, फिर एक उल्टा और फिर हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। अब हम एक सीधा लेंगे, दो, अब यहाँ पे दो हो गए, पहले एक था अब दो हैं। अब इसको भी हम फिर ट्विस्ट करेंगे, पीछे से इस तरह से उतारेंगे और इसको दूसरी में शिफ्ट करेंगे और ये दोनों सीधे। टोटल यहाँ पे अब चार सीधे हो गए हैं, बीच में दो ही रहेंगे अब हमारे उल्टे। इन दोनों को हम फिर ट्विस्ट करेंगे फ्रेंड्स ये इस तरह से। धागा दूसरी तरफ और फिर इसको इस तरह से नेट करेंगे। बीच याद रखिएगा, चार सीधे हैं एक पैटर्न में, यही हमने यहाँ रिपीट करना है। ट्विस्ट कीजिए, सीधा नेट कीजिए, बीच के दो उल्टे नेट कीजिए, उसके बाद फिर से ट्विस्ट कीजिए इस तरह से, और यहाँ पे भी चार सीधे नेट होंगे। आप एक उल्टा लेंगे एंड का और एक सीधा। रॉन्ग साइड आती है रो नंबर 8, पूरी की पूरी रॉन्ग नेट कीजिए, सारे फंदे उल्टे ही हमें बनाने हैं।
ये पैटर्न जब एक बार पूरा डल जाता है ना, ये तभी सुंदर दिखाई देता है फ्रेंड्स। ज़्यादा खिलकर ये पूरी स्वेटर में जब आप डालोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू एक पैटर्न में डला हुआ छोटी जगह पे। बड़ी जगह पे जब ये डलेगा तो ये और अच्छा लगेगा, और ये बहुत ही इजी है। देखिए रो नंबर 9, सीधा एक उल्टा एड स्टिच, यहाँ पे 1, 2, 3 और जो चौथा है इसे हम ट्विस्ट करेंगे से लेंगे इसे 4 और ये 5, 5 सीधे हो जाएंगे। अब उल्टा कोई भी नहीं रहेगा फ्रेंड्स, आगे वाले को भी ट्विस्ट करेंगे पीछे से, इसको आगे से हम इसे लेंगे और इसको पीछे वाली सिलाई में इस तरह से शिफ्ट करेंगे, इस तरह से सारे सीधे। अब हमारी सिलाई में फ्रेंड सारे सीधे ही रहेंगे, सारे फंदे हमने सीधे ही निट करने हैं, बस बीच में हमें ट्विस्ट ज़रूर करना है जो उल्टे के साथ वाला है। इस तरह से ये भी हमने ट्विस्ट कर लिया और सारे सीधे। एंड में जो एड स्टिच है वो हम सेम ही करेंगे फ्रेंड्स, एक उल्टा और एक सीधा। एड स्टिच का ध्यान रखिएगा, वो एज इट इज हमारा चलेगा। ये हमारा एक ट्रायंगल बनकर तैयार है। रॉन्ग साइड हमने रॉन्ग ही लेनी है, ये है रो 10 हमारी। रो नंबर 10 लास्ट लाइन है हमारी इस पैटर्न की, और यही रिपीट रहेगा फ्रेंड्स। आगे आप जितनी भी इसकी लाइंस यानी कि जितने भी रोज डालेंगे 1 से 10 तक ही रिपीट रहेगा। एंड में दो दो एड स्टिच रहेंगे, बीच का जो हमारा पैटर्न है वो 10-10 का रहेगा। ये हमारा डिज़ाइन पूरा है। अब आपको रो 1 से रो 10 तक इसको रिपीट करना है नेक्स्ट रोज के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ये पैटर्न अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं और आपके लिए नए वीडियोस लाती रहूं। ये देखिए मैंने 2 रोज इसमें कंप्लीट कर दी हैं, 2 रोज हमारी इस तरह से दिखाई देंगी। ये बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको सारे के सारे आगे के नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहेंगे, और लाइक करने से क्या होता है फ्रेंड्स, वो वीडियोस हमारे लाइक सेक्शन में ना सेव रहती हैं, तो इसलिए लाइक करना ना भूलिएगा। अगर हम डाउनलोड नहीं कर पाते हैं कोई भी डिज़ाइन तो आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि वो हमारी एक लाइक लिस्ट में सेव रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।